सो हे बड़ी वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी 44 अपडेट आ चुके हैं और आपने अपडेट भी कर लिया है, लेकिन यार अपडेट के बाद में एक न्यू इवेंट आने वाला है बहुत ही जल्द, जिसका नाम होने वाला है मोको स्टोर इवेंट। जी हां दोस्तों, यहां पर देखो ये अपना मिथोस मोको स्टोर, और इस मोको स्टोर इवेंट के अंदर में फीस्ट का स्किन है। तो भाई ये कब हमें देखने को मिलेगा और इसके अंदर में कितना डायमंड खर्च होगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आप लोग टॉपअप इवेंट को देखो, जो की 100% बोनस टॉपअप इवेंट है। तो इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो ये बहुत ही जल्द एक्सपायर हो जाएगा। तो ये एक्सपायर होने के बात हमें कौन सा न्यू टॉपअप इवेंट देखने को मिलेगा, आई मीन हम लोग नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इस OB44 अपडेट के अंदर में हमें कौन कौन से फ्री के रिवॉर्ड्स मिले हैं, क्या कुछ चेंजिंग होने वाला है। तो इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आता हूँ इवेंट के अंदर में। तो इवेंट के अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे क्लाइम करने का है। मैं क्लाइम करूंगा नहीं, बिकॉज ये सब मेरे पास पहले से ही, और यहाँ पे कैरेक्टर को एडजस्टमेंट किया गया है और अपना तेरसुआ का पावर को कमा दिया गया है, तो काफी अच्छा किया है भाई। और इसके अलावा वेपन के अंदर में एडजस्टमेंट देखने को मिल गया, के अंदर में तीर चिप लगा सकते हो, और फैक्टर एंड एम्पीफाइव का पावर को बढ़ा दिया गया है, और चार्ज बस्टर ट्रोगन और विजोन का एबिलिटी को कमा दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि हमें स्टोर के अंदर में बहुत कुछ न्यू आइटम्स देखने मिला है। तो स्टोर के अंदर में चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ स्टोर के अंदर में, और यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब बहुत सारे न्यू बंडल सब एड किया गया है। बट मेरा ना अभी कलेक्शन पैक डाउनलोड नहीं है, मैंने डिलीट किया था कुछ रीजन की वजह से, तो इसलिए यह सब डाउनलोड नहीं दिखा रहा है। तो आप लोग देख लेना अपनी आईडी के अंदर में जाके, ठीक है। और आप लोग कि इस OB44 अपडेट के अंदर में मैजिक स्टोर को भी अपडेट किया गया है। तो भाई सब मैजिक स्टोर के अंदर में चल के देखते हैं। यहाँ पर देखो भाई ये रहा मैजिक स्टोर, और यहाँ पर देखो भाई न्यू बंडल को भी ऐड किया गया है, जो कि अपना इनक्यूबेटर का सबसे नीचे वाला बंडल था वही। तो ये बंडल काफी अच्छा है, तो आप लोग इसे एक्सचेंज कर लेना, मैं भी कर लेता हूँ। और मेरे पास मैजिक क्यूब भी है, मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट भी है। आप लोग के पास कितने मैजिक क्यूब है कमेंट करके बताना। और मेरे को ये बंडल के अलावा और कोई तो अच्छा नहीं लगा। और इसके अलावा एफएफ टोकन को भी अपडेट किया गया है भाई साहब। एफएफ टोकन के अंदर में काफी मस्त मस्त आइटम सब ऐड किया गया है, जैसे कि आप लोग एफएफ टोकन के अंदर से मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट को एक्सचेंज कर सकते हो, अनलिमिटेड कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है इसका, और रूम कार्ड को भी एक्सचेंज कर सकते हो भाई साहब। ये काफी सही है किया है गरीना फ्री फायर ने, बिकॉज हम लोग यहाँ से रूम कार्ड को अनलिमिटेड एक्सचेंज कर सकते हैं एफएफ टोकन के बदले में, तो ये काफी अच्छी बात है। और इसके अलावा एफएफ टोकन के अंदर में और भी बहुत सारे बंडल्स को भी ऐड किया गया है, आप लोग जाके एक्सचेंज कर लेना। यहाँ पर मैं बंडल्स के कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर पैंट है और टॉप भी है, तो ये सब काफी अच्छा है, तो आप लोग एक्सचेंज कर लेना। मैंने भी कर लिया है, मेरा डाउनलोड नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट कोई ना आप लोग भी जाके कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ न्यू टोकन आया है, और इसके अंदर में आइटम्स भी हैं, जैसे कि यार यहाँ पर इमोट है जो कि जम्बी बाला, भाई क्या खतरनाक इमोट है रे यार, देख के मजा आ गया भाई कदम से, मैं तो इसे लूंगा। बट इसके लिए ना बहुत सारे जॉम्बी टोकन चाहिए, तो ये टोकन को लेने के लिए हम लोग को जॉम्बी मोड खेलना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग को ये टोकन मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, और टोकन कैसे कलेक्ट करके आप लोग को पता चल जाएगा, फिर आप लोग एक्सचेंज कर लेना, मैं भी करूंगा बट उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा और एक टोकन आया है यहाँ पर भाई साहब, बहुत सारे गन के स्किन है, लेजेंडरी गन के स्किन है भाई, वहाँ पर थीम थे यहाँ पर लेजेंडरी है, अच्छा तो ये भी काफी सही है। तो ये भी हमको कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी मार्ट स्टोर को भी अपडेट किया गया है, यहाँ पर फिर से रूम कार्ड, भाई यार मजा आ रहा है इस अपडेट के अंदर में, सिर्फ रूम कार्ड मिल ही जा रहा है। तो यहाँ से मैंने एक्सचेंज कर लिया है, और भी लिमिटेड वाला है भाई, इसे भी एक्सचेंज करेंगे बाद में, बट अभी के लिए इतना ही। और क्या है भाई, मैंने आपको स्टोर के अंदर में सब कुछ दिखा दिया, कुछ छूट गया हो तो आप लोग जाके देख लेना। बट अभी हम लोग चलते हैं लैब में, बिकॉज लैब के अंदर में कुछ ऐड हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो लैब के अंदर में आ चुका हूँ, और आने के बाद यहाँ पर आउटफिट, यहाँ पर देखो भाई न्यू इवो बंडल भी ऐड हो चुका है, जो की अपना द पैराडॉक्स, भाई साहब ये बंडल काफी मस्त है। और यहाँ पर आप लोग इसका एनिमेशन को देख सकते हो, एनिमेशन छोड़ो पहले आप लोग डुओ इमोट को देखो भाई, सब काफी मस्त इमोट है, पर्सनली ये इमोट मेरे को काफी अच्छा लगा। और इसके अलावा यहाँ पर लुक चेंजर इमोट को भी देखो भाई साहब, इस पैराडॉक्स बंडल के अंदर में लुक चेंजर इमोट है, जो कि काफी मस्त है। और यहाँ पर अपना एनिमेशन को देख सकते हो, जो कि अपना अराइवल एनिमेशन है, तो ये भी काफी मस्त है। और यहाँ पर अपना मेडिकेट इफेक्ट भी है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है, बट वो अपना ग्रीन वाला अच्छा है इससे, ठीक है। तो बट ये भी काफी अच्छा है, इसे भी बुरा नहीं बोल सकते। और यहाँ पर अपना जंप एनिमेशन को देख सकते हो, ये भी काफी मस्त है, और अपना विंडो जंप एनिमेशन को देख सकते हो, ये भी काफी मस्त है। तो जो भी है भाई, ये पैराडॉक्स के बंडल भी काफी अच्छा है, और इसके इफेक्ट, इसके इमोट, इसके लुक चेंजर सब कुछ अच्छा है। और इसका एक हाइपर बुक भी आया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये है अपना द पैराडॉक्स हाइपर बुक, तो इसके अंदर के आइटम्स भी काफी अच्छे है, आप लोग आके अच्छे से देख लेना। और गुरुएल के स्किन भी काफी अच्छा है, इमोट भी काफी अच्छा है, सब कुछ काफी अच्छे है, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा इस OB44 अपडेट के अंदर में सबसे मेरे को एक चीज अच्छा लगा, जो कि अपना सेंसिटिविटी, ठीक है। तो आप लोग अपने
सेटिंग के अंदर में आके देख सकते हो, यहाँ पर सेंसिटिविटी को आप लोग 200 तक कर सकते हो भाई, ये काफी सही की अगर ना फ्री फायर है। अब आप लोग मूवमेंट दिखाओ ना, जितना चाहे दिखाओ भाई, पीसी भी आपके सामने फेल है तो भाई साहब दिखाओ कितना ज्यादा मूवमेंट दिखाना है दिखा लो, और आपका फोन भी लैग नहीं करेगा, लो एंड डिवाइस में काफी अच्छे चलेगा आपका गेम, तो ये काफी सही है। इसके बारे में आप लोग को पहले वीडियो के अंदर बता दिया था, बट चलो कोई ना, अभी मैं आप लोग बता देता हूँ नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के बारे में। तो देखो यहाँ पर आप लोग ये देखो, ये अपने नेक्स्ट टॉप अप इवेंट का ऑफिशियल बैनर, और इसके अंदर आने के बाद कुछ इस टाइप का आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि एक कटाना की स्किन है, और भाई ये कटाना की स्किन काफी अच्छा है, लेजेंडरी भी है, तो आप लोग चाहे तो ले सकते हो, ये आप लोग को 100 डायमंड के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ बंडल्स के पार्ट्स है, जैसे कि यार आप लोग यहाँ पर एक टॉप को देख सकते हो, देखने में काफी मस्त है, बट एकदम थीम टाइप का अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे भी अच्छा लगेगा आप लोग टॉप अप करते हो तो ले सकते हो। और यहाँ पर एक मास्क है, ये देखने में काफी सही है, आप लोग चाहे तो इसे ले सकते हो, इसके लिए आप लोग को 500 डायमंड का टॉप अप करना पड़ेगा भाई, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और यहाँ पर एक जॉर्डन का शू है जिसको आप लोग 700 डायमंड के टॉप अप करके ले सकते हो, और यहाँ पर एक पैंट है जिसको आप लोग 1000 डायमंड के टॉप अप में ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग की हेयर स्टाइल को देखो, दिखने में तो तभी खास नहीं है, बट इसको आप लोग 1200 डायमंड के टॉप अप में ले सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पर अपना एंजेलिक के बैनर बता रहे हैं, इसको आप लोग 2000 डायमंड के टॉप अप में ले सकते हो, ठीक है। तो ये है अपना नेक्स्ट टॉप अप इवेंट जो कि 19 अप्रैल के दिन आने वाला है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को नेक्स्ट टॉप अप इवेंट दिखा दिया, अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट, जिसका बैनर को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो ये है अपना मिथोस फिस्ट मोको स्टोर इवेंट का बैनर, तो मैंने आप लोग को बैनर तो दिखा दिया, अब वीडियो दिखा देता हूँ, बैनर दिखा दिया तो समझ लो कंफर्म आनेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग यहाँ पर देखो, कुछ इस टाइप का इवेंट होने वाला है मोको स्टोर इवेंट, और इसके अंदर में मिथोस फिस्ट का स्किन है, तो ये है अपना मिथोस फिस्ट का स्किन, ये फिस्ट का स्किन काफी अच्छा है, काफी रेयर भी है, बट ये पहले भी हमारे गेम के अंदर रिटर्न में आ चुका है, और ये जब फर्स्ट टाइम आया था मेरे को अच्छे से याद है, कुछ टोकन टावर इवेंट के अंदर में आया था, और उस टाइम का ये काफी रेयर फिस्ट का स्किन है, और इसका आवाज भी सुनने में काफी मस्त है, ये एक दो बार रिटर्न में आ चुका है, तो फिर से रिटर्न में आ गया है, तो इसका आप कोई इज्जत नहीं है, बट फिस्ट टू फिस्ट होता है। यहाँ पर अपने स्कॉर्पियो फिस्ट का स्किन है भाई साहब, ये फिस्ट का स्किन भी काफी अच्छा है, तो चाहे तो आप लोग इसे भी ले सकते हो। इसको निकालने में आप लोग को बहुत ही कम डायमंड खर्च होगा, 1000 से कम डायमंड खर्च होगा, तो समथिंग 900 डायमंड तक खर्च होगा, तो आप लोग चाहे तो निकाल सकते हो। और इसके अलावा बाकी कौन सा आइटम्स आने वाले हैं इसके अंदर में वो तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट दो फिस्ट का स्किन कंफर्म है, एक तो अपना मिथोस फिस्ट का स्किन और एक अपना स्कॉर्पियो फिस्ट का स्किन, तो चाहे तो आप लोग निकाल सकते हो। और इसकी डेट तो ये हम लोग को कब देखने को मिलेगा, तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये मोको स्टोर इवेंट हम लोग को 20 अप्रैल के दिन देखने को मिल जाएगा, तो और एक बार सुन लो और अच्छे से सुन लो, हम लोग को ये मोको स्टोर इवेंट 20 अप्रैल के दिन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास डायमंड नहीं है तो टॉप अप कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं क्यों बोलूंगा आप लोग को टॉप अप करने के लिए, मैं खुद ही टॉप अप नहीं करता, बहुत ही कम करता हूं, और ना के बराबर करता हूं, तो भाई मैं आपको क्यों फोर्स करूंगा कि आप टॉप अप करो, इसमें मेरा क्या फायदा होता है भाई। चलो कोई ना, आप लोग टॉप अप वगैरह मत करना, और आपके पास अगर फिस्ट का स्किन है तो आप लोग निकालना मत, और नहीं है तो आप लोग चाहे तो निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ अपडेट नहीं है, जो भी कुछ था मैंने आपके साथ में शेयर किया, और इसके अलावा और भी कुछ अपडेट है, बट इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, और भी ओवी 44 अपडेट का बहुत कुछ अपडेट मिला है, तो वो सब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना, और अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, तो टेक केयर, बाय बाय।